परफॉर्म आवर एक्शंस ऑन अर्थ बट रिएक्शंस कम फ्रॉम द स्काई, अर्थात हम यहाँ पर धरती पर अपना काम करते हैं, एक्शंस करते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन रिएक्शंस स्काई से आते हैं, अर्थात ईश्वर की तरफ से, आकाश से आते हैं। आज जो मैंने सेंटेंसेस लिए हैं वो बहुत शानदार हैं, घर में बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं, कोई भी व्यक्ति दूसरे को इशारा करता है जैसे आप इतना सज धज कर कहाँ जा रहे हैं, अरे भाई आप इतना सज धज कर कहाँ जा रहे हैं। अंग्रेजी इसकी कैसे बनी, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं कि अंग्रेजी क्या होगी, वेयर आर यू गोइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वेयर आर यू गोइंग, ड्रेस्ड अप, इतने बढ़िया कपड़े पहने हुए, ड्रेस्ड अप, कपड़े पहने हुए, इन द बेस्ट, इन योर बेस्ट, अर्थात इतने बढ़िया कपड़े पहने हुए, अपने सबसे बढ़िया कपड़े पहने हुए, सजे धजे आप कहाँ जा रहे हैं। फिर से देखें, आप इतने सजे धजे कहाँ जा रहे हैं भाई, ये सेंस है, आप इतना सज धज कर कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, ड्रेस्ड अप इन योर बेस्ट, सबसे बढ़िया कपड़ों में आप कहाँ जा रहे हैं सज धज कर। अब दूसरा सेंटेंस वो भी बहुत बढ़िया है लेकिन गुस्से का है, नाराजगी का है, धमकी का है, गुस्से में मत आओ, डू नॉट बी एक्साइटेड या डू नॉट गेट एक्साइटेड, डू नॉट बी एक्साइटेड, गुस्से में मत आओ, हमारे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है, गुस्से में मत आओ, हमारे सामने तुम्हारी औकात ही कुछ नहीं है, डू नॉट बी एक्साइटेड, यू आर नो मैच टू अस, यू आर नो मैच टू अस, गुस्से में मत आओ, हमारे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तो ये दूसरा सेंटेंस हुआ, बोलने में इन सेंटेंसेस का बड़ा उपयोग है, बोलेंगे तो एक तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आप इन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, इस सेंटेंस को एक एक सेंटेंस को 10-10, 20-20 बार जोर जोर से बोलें, फिर धीरे बोलें, तो इस तरीके से ये आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी बोलने। खबरदार, खबरदार, अब ये बात दोबारा मत कहना, अब ये बात दोबारा जवान पे मत लाना, अब मत कहना दोबारा, ये सेंस है, खबरदार अब ये बात दोबारा मत कहना, कभी मत कहना। देखें सेंटेंस कैसे बनेगा, खबरदार की अंग्रेजी है बी वेयर, बी वेयर, नेवर रिपीट, कभी दोबारा मत कहना, नेवर रिपीट, कभी दोबारा मत कहना, सच वर्स अगेन, ऐसे शब्द दोबारा, नेवर रिपीट, सच वर्स अगेन, ऐसे शब्द दोबारा कभी मत कहना, बताए दे रहे हो इस प्रकार की बातें, जो शब्द है, जो सेंस है वो ये है, बीवेयर, नेवर रिपीट सच वर्ड्स अगेन, ऐसे शब्द दोबारा कभी जबान पे मत लाना, ये सेंस है। अब अगला सेंटेंस भी काफी अच्छा है, मुझे क्या, यानी मेरा क्या जा रहा है, भाड़ में जाओ, मुझे क्या, मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ता है, भाड़ में जाओ, मेरे जाने कहीं जाओ, ये मतलब है। व्हाट टू मी, मुझे क्या फर्क पड़ता है, गो टू हेल, भाड़ में जाओ, हेल माने होता है नरक, तो गो टू हेल जो है वो भाड़ में जाने के लिए आता है हमेशा। व्हाट टू मी, मुझे क्या फर्क पड़ता है, गो टू हेल, भाड़ में जाओ। तो ये मैंने एक्सप्रेशन के साथ में ये चीजें बता रहा हूं, इसमें एतराज करने की कोई बात नहीं है, इसमें एतराज करने की कोई बात ही नहीं है। तो ये सेंटेंस बहुत छोटा सा बनेगा, ये हिंदी में बहुत बड़ा है, हिंदी में बहुत छोटा सा है, अंग्रेजी में बहुत छोटा सा है। नथिंग इज टू ऑब्जेक्ट टू इट, नथिंग इज टू ऑब्जेक्ट टू इट, इसका अर्थ है इसमें एतराज करने की कोई बात ही नहीं है। देखिए एक्सप्रेशन ये है जो मैं दे रहा हूं, इसमें एतराज करने की क्या बात है, कोई बात ही नहीं है। नथिंग इज ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट टू इट, नथिंग इज टू ऑब्जेक्ट टू इट। अब अगला सेंटेंस वो भी बहुत कॉमन है लेकिन हम अंग्रेजी जानते नहीं है उसकी तो बोलते भी नहीं है।
आज मैं सिखा रहा हूं, आप आराम से आज के बाद बोल सकेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखें, टेंस जानना बहुत आवश्यक है। जिसको टेंस नहीं आते वो उसको आधार ही नहीं पता अंग्रेजी का, उसकी अंग्रेजी बस ऐसे ही है जैसे पेड़ के पत्ते, जड़ नहीं है उसमें, जड़ नहीं है तो बेकार है। अब देखें इसको, तुम भी कितने बड़े मूर्ख हो, तुम भी यानी कितने बड़े मूर्ख, कितने पागल हो जो अपना भला बुरा भी नहीं समझते। तुम यही नहीं पता चल रहा तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, यह एक्सप्रेशन है। तुम भी कितने बड़े पागल हो जो अपना भला बुरा भी नहीं समझ सकते, ये इस एक्सप्रेशन के साथ है। व्हाट ए फूल यू आर, अंग्रेजी में व्हाट ए फूल यू आर दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड और बैड फॉर यू। देखें फिर देखें, मैं धीरे बोलूंगा, व्हाट ए फूल यू आर, आप कितने बड़े मूर्ख हो, दैट की यू डू नॉट अंडरस्टैंड, तुम समझ नहीं सकते, तुम समझते नहीं हो। व्हाट इज गुड, क्या अच्छा है, और बैड, बुरा है फॉर यू, तुम्हारे लिए। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनेंगे, व्हाट ए फूल यू आर दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड और बैड फॉर यू। अब इससे अगला सेंटेंस देखें, मैं आखिरी समय तक तुम्हारा साथ दूंगा, मैं आखिरी समय तक यानी मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। ये देखें इसकी, इसका सेंस ये है जो मैंने अभी आपको बताया, मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगा, साथ दूंगा, मैं आखिरी समय तक तुम्हारा साथ दूंगा। आई विल स्टैंड बाई यू, स्टैंड बाई साथ में खड़े रहना, साथ देना। आई विल स्टैंड बाई यू टू द लास्ट, लास्ट तक, आखिर तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगला सेंटेंस देखें, कोई बात नहीं, सेंस देखें, सेंस, कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर, इट डज नॉट मैटर, कोई बात नहीं, आप बेकार में इतना परेशान हो रहे हैं, कोई बात तो है नहीं, ऐसी कोई खास बात तो है नहीं और आप बेकार में इतना परेशान हो रहे हैं, क्या जरूरत है परेशान होने की। ये सेंस है, इट डज नॉट मैटर या इट डजंट मैटर, कुछ ही बोल सकते हैं। इट डज नॉट मैटर, यू आर अननेसेसरीली, अननेसेसरीली बेकार में वरीड। फिर देखें, कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर, आप बेकार में इतना परेशान हो रहे हैं, यू आर अननेसेसरीली वरीड, वरीड माने चिंतित, यू आर अननेसेसरीली वरीड, आप बेकार में चिंता कर रहे हैं, बेकार में परेशान हो रहे हैं, ऐसी कोई बात तो है नहीं। अगला सेंटेंस, एक दिन हवा बहुत तेज चल रही थी। अब ये मैंने बताने की कोशिश की है कि थोड़ा सा प्रकृति का वर्णन, थोड़ा सा दिमाग को चैन देने वाली बात। एक दिन हवा बहुत तेज चल रही थी, वंस इट वॉज ब्लोइंग हार्ड, ब्लो हार्ड, तेज हवा का चलना ब्लो हार्ड कहलाता। वंस, एक बार या एक दिन, इट वॉज ब्लोइंग हार्ड, तेज हवा चल रही थी, तेज साए साए तेज हवा चल रही थी। वंस इट वॉज ब्लोइंग हार्ड, डेंस फॉग, घना कोहरा छाया हुआ था, सब जगह घना कोहरा छाया हुआ था। डेंस फॉग, फॉग माने कोहरा, डेंस माने घना, स्प्रेड माने छाया हुआ था एवरीवेयर, हर जगह। डेंस फॉग वाज स्प्रेड एवरीवेयर, डेंस फॉग वाज स्प्रेड एवरीवेयर, सब जगह घना कोहरा छाया हुआ था। डेंस फॉग वाज स्प्रेड, और स्प्रेड भी कह सकते हैं, केवल वाज ना लगा के भी कह सकते हैं क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो गया। बूंदा बांदी हो रही थी,
अब देखिए पहले सेंटेंस को क्लियर कर दूं। एक दिन हवा बहुत तेज चल रही थी, वंस इट वॉज ब्लोइंग हार्ड। हवा बहुत तेज चल रही थी, घना कोहरा छाया हुआ था, डेंस फॉग वॉज स्प्रेड एवरीवेयर या डेंस फॉग स्प्रेड एवरीवेयर। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। बूंदाबांदी हो रही थी, बूंदाबांदी रेन और चीज है, इट वॉज रेनिंग वर्षा हो रही थी, वर्षा और चीज है, लेकिन बूंदाबांदी और चीज है, इसकी अंग्रेजी भी अलग है। इट वॉज रेनिंग वर्षा हो रही थी, इट वॉज ड्रिजलिंग बूंदाबांदी हो रही थी, छोटी छोटी बूंदे गिरती हैं जब उसमें ज्यादा आदमी भीगता नहीं है एकदम। इट वॉज ड्रिजलिंग बूंदाबांदी हो रही थी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, आई मिस्ड यू बैडली या आई मिस्ड यू ए लॉट, आई मिस्ड यू बैडली या आई मिस्ड यू ए लॉट, अर्थात मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। इस तरीके से ये मिस करने को कहते हैं याद आना, आई मिस यू मुझे तुम्हारी याद आती है, आई मिस्ड यू, आई मिस्ड यू मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं। आप इतना सधैर्य कहाँ जा रहे हैं, देखिए पहला ही सेंटेंस बहुत शानदार है, इतना वेयर आर यू गोइंग ड्रेस्ड अप इन योर बेस्ट, आप इतना सधैर्य कहाँ जा रहे हैं, रोजाना का सेंटेंस है, किसी से भी कह सकते हो, कोई शादी ब्याह में जा रहा है उससे कहा जाता है। तो यदि ये मेरे सेंटेंसेस आपको पसंद आ रहे हो जो अलग हैं, सबसे अलग से मैंने बनाए हैं, अगर ये पसंद आ रहे हो तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।